ये इंडिपेंडेंस डे मैं कैसे देखती हूँ? मेरे हिसाब से तो कोई इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ वहाँ है ही नहीं, क्योंकि आप खुद देखिए कम्युनिकेशन सारा बंद है आज. इंडिपेंडेंस डे नाउ आई कैन से दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंस डे फॉर अस, बिकॉज नाउ वी हैव बिकम द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? सो फॉर अस इट विल बी अ डे ऑफ आर, वी कैन सेलिब्रेट फिफ्थ ऑफ अगस्त इज अ डे ऑफ कॉलोनलाइजेशन ऑफ फॉर कश्मीरी, फॉर जे एंड के पीपल, आई कैन से दैट. सॉरी, इट्स सो पेनफुल टू से दैट, बट दैट्स द रियलिटी. हमें राज्य के अंदर ही विस्थापित किया गया था. हम जो वर्ड ये यूज़ करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, हम माइग्रेंट नहीं हैं, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं. तो ये अब जो ये इंडिपेंडेंस है, ये डेफिनेटली पक्का से एक नया डॉन है हमारे लिए, एक नई शुरुआत है. वहाँ भी इंडिपेंडेंस जो डे सेलिब्रेट किया जाता था, वहाँ भी जो है लोग इंडिया का ध्वज जो है लहराते थे, झंडा लहराते थे, एंड वी रेस्पेक्ट एंड वी लव इंडिया, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ वेरी यू नो ग्रीफ इन आवर हार्ट दैट वॉट एवर इंडिया हैज़ डन टू आर्टिकल 370 विदाउट यू नो कीपिंग एनीवन इनफॉर्म. अगर हम बोले कि हम जम्मू के रहने वाले, उसके पहले हमारा आता है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं. सो इट्स बेसिकली वी आर वेरी happy and proud to be a part of the entire nation rather than being just a part of Jammu or Jammu and Kashmir. Main abhi aa raha tha meri gaadi mein, somebody was selling me the tricolor. I was all emotional seeing it, but mere ko second thought mera yahi tha ki mere 10 million log Kashmir mein is time open air prison mein qaid hain, unke liye to koi independence day nahi hai. It's totally irrelevant for them. जी, अब तो सब कुछ बदल गया है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा. जैसे कि 370 को स्क्रैप किया गया है, तो अब हमारे लिए एक बहुत ही टेरेबल सिचुएशन है वहाँ पे. तो कुछ भी आइडिया नहीं है अब वहाँ इंडिपेंडेंस डे पे क्या होगा. बहुत डर है, बहुत खौफ है कि कुछ भी हो सकता है. जम्मू रीजन में इफ़ वी टॉक वैसा कुछ नहीं था, इट वॉज ऑलवेज द इंडियन नेशनल फ्लैग. तो पर्टिकुलर फॉर कश्मीर रीजन आई डोंट वांट टू टॉक, उस पर वहाँ पे वी नो लाइक दे सेलिब्रेट 14th August. This in Kashmir region they celebrate 14th August. Being an Indian, they celebrate 14th August, जो बहुत ही गलत चीज़ है, but let's not get into that. हाँ, जे एन के लिए एक बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है, एंड या इंडिपेंडेंस डे डेफिनेटली इट विल बी ऑल डिफरेंट इस टाइम. या